लेक्चर नंबर 19 मेजरमेंट। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस, रिकैप देख रहे हैं लेक्चर 18 का। इसमें मैंने बताया था कि जो भी ये प्रेशर कॉइल है उसको प्योरली रजिस्टिव होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इंडक्टेंस होता है। उसी इंडक्टेंस इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उस इंडक्टेंस से क्या क्या इरर आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंडक्टेंस क्या है, जीरो था। तो यहाँ जेड पी प्रेशर कॉइल किसके बराबर हो जाएगा, आर ए सी के। आई वन बराबर आई, आई टू बराबर वी बाई आर ए सी, डी डी बराबर क्या बताया था, आई वन आई टू कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा। तो ये हमारा हो गया ट्रू वैल्यू, है ना, डिफ्लेक्शन का ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से केस टू देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही प्रेशर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जीरो नहीं, अदर देन जीरो, मान लेते हैं नॉन जीरो है, जेड पी आर ए सी प्लस एक्स प्रेशर कॉइल, आई प्रेशर कॉइल और आई टू वी बाई जेड, इस तरीके से आई वन आई टू कॉस फाई डी एम बाई डी थीटा, और ये बीटा भी होता है जो कि दोनों के बीच का एंगल है। देखो यहाँ पर V और I के बीच का एंगल बीटा, और I2 और I के बीच फाई माइनस बीटा, इन दोनों के बीच का कोण उसको भी प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर इस तरीके। अब TD1 बाई TD2 cos फाई cos बीटा cos फाई माइनस बीटा प्लस लीडिंग माइनस लैगिंग, ये सब बताया था ना जी, ठीक है ना यहाँ तक। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी ट्रू वैल्यू है बाई मेजर्ड वैल्यू, ये सब आया था यहाँ तक, क्लियर सबको, परसेंटेज एरर सब बताया था ना कल की क्लास में। ये सब बताया था, सब फाइनल सॉल्व किए थे। तो W ट्रू वैल्यू बाई मेजर्ड वैल्यू कितना आया था। अब यहाँ से एरर निकालेंगे किस तरीके से आएगा, क्लियर हो गया सबको, क्या चीज़ का, यहाँ से भाई कॉस ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस फाई कॉस बीटा और माइनस रहता है तो प्लस रहता है, ठीक है ना जी, क्लियर। और काफी मनाए कि निकल, काफी मनाने को बोला था, कैसे जी काफी मनाते हो कि नहीं, नोट्स भेजता हूँ उसको, कल भेजा था कि नोट्स,
यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ूँ? प्रेशर कॉइल, इंडक्टेंस, मीटर इंडिकेट, मोर फॉर लेगिंग पावर फैक्टर, मीटर इंडिकेट लो वैल्यू फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, है ना? कल बताया था सब कि जो भी मीटर है इंडक्टेंस अगर ज़्यादा है पावर फैक्टर कम होगा, इससे रीडिंग कम होगा, सॉरी बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर कम होने से रीडिंग बढ़ जाता है, तो एरर हो रहा है कि नहीं जी? समझ पाए? हाँ, तो मीटर इंडिकेट अब कम होगा तब भी दिक्कत है, तो यूपीएफ होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा लोड, है ना? ये तकलीफ, इसके लिए हम लोग डिजाइनिंग करते हैं इसको मीटर को, इन ऑर्डर टू रीड ट्रू वैल्यू बाई डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर, नेचर प्रेशर कॉइल शुड बी हाईली रजिस्टिव, है ना? समझ में सबको? अब यहाँ से मैंने बताया था दो टाइप के वाट मीटर होते हैं, वाट मीटर LPF ओपन सर्किट टेस्ट, आप ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं, और यूनिटी पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, तो इसी को ठीक है ना? अंदर क्लियर? अब उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ लो पावर फैक्टर वाट मीटर, इसके लिए क्या करते हैं जी? कौन बताएगा? बोलो फिर से, बाकी लोग कैसे अटेंड नहीं कर रहे हैं? ठीक बन रहे सर, ठीक है, चलो कैसे बाकी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना? आगे बढ़े, तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है जी? नलिफाई प्रेशर कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस इफेक्ट ऑफ कंपोजिट कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर, उसमें सी बराबर LP/R² सब बताया था कल, थ्योरी क्लियर है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन थ्योरीज पूछ रहे हैं आजकल, इसलिए थ्योरी बताया जा रहा है,
है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते है ना, थ्योरीज के अंदर से पूछ देता है ना, तो बहुत सारा चीज़ इस तरीके से याद भी रखना पड़ेगा कि LP क्यों लगाते हैं, क्यों काम करते हैं, इससे क्या होता है ना, ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं सब लोग। क्लियर हुआ, आगे बढ़े यहाँ पर। कंपनसेटिंग कॉइल, इट प्रेजेंट फिजिकली और द कंपनसेटिंग करंट कॉइल। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, कनेक्शन कैसे करते हैं, क्यों लगाया जाता है, इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, इस टाइप से समझ पाए। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको। तो क्यों लगाते हैं जी इसको, क्यों पूछो कह दे, करंट के प्रेशर में शाम के मार वाल लग रहा था पाव ऐसे दी, पाव प्लान में बैठ के आधा पाव मार के कैसे जी, प्रेशर कॉइल अर्थिंग प्रेशर जोर थोड़ी देता बे बीच में कैसे साधन, उसने लगा थी कि नहीं, उसने लगा दीपक क्या पता रखना भाई, तो संगी है ठीक। तो क्यों लगाते हैं शुरू से बताओ, क्यों लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, और इसको लगाने से क्या फायदा होता है। चल भावेश बोलो, क्यों लगाते हैं, कौन से पूछे पे भावेश बताओ जी, भावेश सुन रहे नहीं, जब डीप से क्वेश्चन पूछता है तो नहीं बनता फिर, है ना, यही सब चीज़ों को बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। अब इसके बाद बताया था मैंने थ्री फेज पावर मेजरमेंट, तो यहाँ पर दो केस था, मैंने बताया था ग्राउंडिंग और न्यूट्रल, न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। अर्थिंग क्यों करते हैं, ह्यूमन की सेफ्टी के लिए। जैसे देखो तुम लोग सबसे पहले गाड़ी में जा रहे हो है ना, तो सामने में कुछ होने वाला है, तुमको लग रहा है कि गाड़ी को लगेगा, तो पहले किसको बचाओगे, गाड़ी को कि खुद को। ऐसे जी, क्योंकि गाड़ी पहले बचावे, कैसे जी ओम प्रकाश, हाँ तो अपन ला बचा ले है, गाड़ी फेंक दे खाई में बनी, तो पहले, हाँ तो पहले खुद की सेफ्टी, पहले खुद को बचाओ, फिर इक्विपमेंट, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ट्रांसफार्मर्स जनरेटर्स ये करोड़ों में आते हैं,
अगर ये इसको हम बचाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना। तो पहले खुद को बचाओ फिर मशीन को, तो मशीन लो मरवा दे। कैसे यार दीपक, नहीं तो प्लान लो बैठा दिए तुमने, तो बिजली चुहेले करंट मारते कि बनावे मत यार। ऐसे यार मोम प्रकाश इसलिए बात है। यहाँ तक क्लियर सबको? उसके बाद बताया था ब्लैक कलर का न्यूट्रल, रेड कलर का फेज अर्थ, ग्रीन कलर का। प्रैक्टिकली जितने भी लोड होते हैं सब बैलेंस के होते हैं, बट पावर सिस्टम अनबैलेंस होता है। उसके बाद बताया था मैंने कनेक्शन, जब थ्री फेज फोर वायर बैलेंस सिस्टम है तो मिनिमम कितना लगेगा, वाट मीटर वन। देखो मेरे पास जैसे कि तीन फेस है, सब में 100-100 है, तो एक को नाप लिया फिर तीन का गुणा कर दो निकल जाएगा। कैसे जी, वास्तव समझ में आया आप? और मैक्सिमम तीनों फेस में लगा दो तब तो भी मेजर हो जाएगा, तीनों को जोड़ देना लास्ट में। समझ पाए कि नहीं सब लोग? अनबैलेंस सिस्टम के लिए मिनिमम कितना लगेगा और मैक्सिमम कितना लगेगा? आधा पाव मार डाल लगा, आधा पाव मारिस डाले लगा। सादा के लाल, सादा के लाल ऐसे दीपक। मदिरा प्लेन इनो डाल के मार ऐसे? नहीं प्लेन है, ठीक है। मैंने देखो क्या बताया था, एक दो तीन फेस है हमारे पास, है ना। अब देखो एक में 10 वाट का है मान लेता हूँ, दूसरे में 20, तीसरे में 30, अलग अलग है ना जी। एक इसमें लगाओ वाट मीटर, एक इसमें लगाओगे, एक इसमें लगाओगे, तीनों को जोड़ दोगे कितना जाएगा, 10 धन 20 धन 30 कितना जाएगा, 60। समझ पाए? सबके लिए अलग अलग आना पड़ेगा ना, अनबैलेंस सिस्टम है। अब आया समझ में सबको? योगांश तो ऐसा है, अब बैलेंस है भाई, सब में 10 10 है, सब में 10 है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें बैलेंस है। एक को निकालो तीन का गुणा कर दो तब भी 30 आएगा, या तीनों में लगा दो एक दो तीन करके तो तब भी आ जाएगा, 10 धन 10 धन 10 कितना हो जाएगा? समझ पाए आप? ऐसे दीपक अब क्लियर हुआ? इसलिए टेबल बनवाया था, थ्री फेस फोर वायर, 1 2 1 3 3 3, थ्री फेस थ्री वायर, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सबके लिए दो पूछू रहा है, बफर सिस्टम है वही आएगा। समझ पाए सब लोग? प्रियंका जी समझ में आया? साधना, साधना आया समझ में? भावेश शुद्ध रह कावे,
राकेश नेत्रा है, कौन जा आरती सभी तो पकड़। व्हेन न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट, बैलेंस्ड सिस्टम, अगर एन फेस एन वायर, एन माइनस वन वाट मीटर, और एन फेस एन प्लस वन वायर है, वन वाट मीटर इज सफिशेंट। आया समझ में सबको? कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, अनबैलेंस के लिए एन वायर सिस्टम है, उसके लिए बता रहा हूँ ना अभी आगे। सब्र रखो, हर चीज़ बताऊँ ना। अनबैलेंस, अब तुम लोग दिमाग लगाओ, अगर एन फेस एन वायर सिस्टम है कितना लगेगा? मैं गलत बता दिया था क्या? मैं गलत बता दिया था। नहीं ठीक था, तीन फेस के लिए दो था, चार फेस के लिए कितना हो जाएगा? तीन। हाँ इस टाइप का, एन फेस एन वायर के लिए एन माइनस वन ही रहेगा, और इसमें एन वाट मीटर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 100 फेस 100 वायर, तो कितना लगेगा इसके लिए? अनबैलेंस के लिए भी और बैलेंस के लिए 100 एक कहते। पायल कहाँ गया? कैसे नहीं सर, कहाँ गया पायल? पता करेगा समझिए। अब क्लियर फाइनली, सब क्लियर रहेगा सबको? क्लियर होगी नहीं यहाँ तक? अब क्लियर यहाँ तक? जैसे कोई डाउट? पूछा गया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान सुनेंगे फिर आंसर देंगे। चलो, स्वैम्पिंग रजिस्टर एंड कंडेंसर आर यूज्ड यूपी एसएससी 2014 में पूछा गया था, टू रिड्यूस एरर वाइल मेजरिंग डीसी क्वांटिटी इन मूविंग एरर इंस्ट्रूमेंट, टू रिड्यूस द एरर वाइल मेजरिंग एसी क्वांटिटीज इन मूविंग एरर इंस्ट्रूमेंट, टू रिड्यूस एरर वाइल मेजरिंग क्वांटिटीज इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, नॉन ऑफ द अबव। इसमें आएगा जी अभी? हाँ वेरी गुड, ऐसा समझ में सब लोगों को? मैं क्वेश्चन सेट भेजूँ, बनाओगे? चलो ये चीज बाद में भेज दूंगा बनाना, पहले देखो टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ अन इंस्ट्रूमेंट
इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है जी? वेरी गुड, क्या सेंस, क्या बताता है? सेंसिटिविटी, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, ये MPJE में पूछा गया था 2015 में, है ना? और इसी को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2003 में भी पूछा गया था, याद रहेगा? क्लियर हुआ? चलो अब अगर मैं पूछूं आपसे, अभी तीन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, PMMC पढ़ाया मैंने, MI इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? डायनेमोमीटर, क्या बताया जी? डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और तुम लोग जानते हो क्या एक और क्या होता है? वाट आवर मीटर इंस्ट्रूमेंट। अब मैं पूछूं इन चारों में सबसे सस्ता कौन होता है, कौन सा आएगा? कैसे जी? प्रियंका जी बताइए सबसे सस्ता कौन है? इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला था मैंने, कितना क्वेश्चन आने के लिए 30+ पर डे। कितने लोग सॉल्व कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव बनाओ ना रोज, वो जितना कल से मैं सुबह पावर सिस्टम की वीडियो भेजूंगा, उसको देखना है सबको, ठीक है ना? पावर सिस्टम चालू करेंगे मॉर्निंग बैच में, ठीक? सुबह देख ले मैंने, और मन, ओ भाई जितना टाइम मर्जी, जितना टाइम मर्जी देखूंगा, तो देख भी नहीं कर रास्ता पे कैसे दीपक? देख अभी है ना, अभी तय देख बे, हाँ हाँ उतना कंप्लीट है, मैं बताऊंगा ना अभी लाइव सेशन में, ठीक है ना दीपक? अभी तय देख, फिर बाद में तोला देख आई, वही तो बात है ना? कैसे जी श्रद्धा नंद, बाद में पता चली थोड़ा देर में। तो अभी सबसे चीपेस्ट कौन होता है जी? चीपेस्ट सबसे सस्ता, देखो इसमें कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ा, इसमें करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल बहुत लफड़ा वाला है, इसमें परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं, इसमें ताम झाम है, इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रो मैग्नेट सस्ता होता है ना? सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ता कौन सा होता है? PMMC, MI सॉरी, बहुत सारा है ना बनाना, कब बनाओगे? कल इस पेपर निकाल दी कैसे दीपक, कैसे कर पे, कब देखेंगे बे? देखने आने के लिए नहीं तो प्राइवेट वो निकल जाएगी।
है ना, बहुत तकलीफ है प्राइवेट में, है ना, तुम लोग जान रहे होगे, है ना, तो यू नो बेटर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोला 7,000 दे तरीके से एक जमाना में, 1 महीना के, है ना। अब प्राइवेट में आज 5 साल काम करता, मेरा तनख्वाह 10,000 रहा था मैक्सिमम, है ना, समझ पा रहे हो दीपक। जाम नहीं में मेहनत वही कर बैठे रहे, है ना। प्राइवेट में कत तो चल दे, वही चीज तो बोल रहा हूँ, एक बार गवर्नमेंट जॉब लगाओ और फुर्सत करो यार उसको। समझ पा रहे हो, नहीं खत्म करो उसको एक बार पढ़ के, है ना। मजाक ठीक करके आता हूँ तब वो एग्जाम निकल जाते, तो क्या पढ़ता ही समझ नहीं आ पड़ा, चलो पढ़ के आना इस बार अच्छे से, 10 मिनट का ब्रेक फिर क्लास लेता हूँ, ठीक है।